स्टूडेंट वेलकम टू द चैनल अपग्रेड वोकैबुलरी विद अंशु। और आज है 2 जून और 2 जून के हमारे जितने भी द हिंदू एडिटोरियल्स के वोकैब होंगे उन सभी को मैं कवर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है यूनिवर्सल कवर ऑन द IRDA's ऑल इन वन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो चलिए देखते हैं इनसे रिलेटेड जितने भी हमारे वोकैब बनते हैं। तो बात हुई IRDA की, तो IRDA के बारे में जान लेते हैं। इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर्म अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इट मीन्स इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। IRDA एक्ट 1999 फॉर ओवरऑल सुपरविजन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। तो हमारे जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको सुपरविजन करने के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए इसमें क्या है, एक एक्ट बनाई गई है पार्लियामेंट के थ्रू। तो ये क्या करते हैं, इन सबको सुपरवाइज करते हैं। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड वो क्या। तो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है बैकिंग। बैकिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, समर्थन, सपोर्ट, एंडोर्समेंट, अप्रूवल, एनकरेजमेंट, स्पॉन्सरशिप, ये सारे क्या हैं, इनके सरनेम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एक्सपेडिटियस। एक्सपेडिटियस पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, शीघ्र, क्विक, रैपिड, फास्ट, स्विफ्ट, स्पीडी। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, नक्शा, प्लान, डिज़ाइन, आउटलाइन, मॉडल, ड्राफ्ट, ये हमारा क्या होता है, ब्लूप्रिंट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एडवर्ड्स। एडवर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, प्रतिकूल, अनफेवरेबल, डेट्रीमेंटल, हार्मफुल, डैमेजिंग, डिस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट वर्ड देख लेते, वो है विथ एन आई ऑन। ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है, क्या का ध्यान रखते हुए, कंसिडरिंग, विथ रिगार्ड टू, कीपिंग इन माइंड, टेकिंग इन टू अकाउंट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है लिंचपिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, मुख्य आधार, एसेंशियल पार्ट, की स्टोन, कॉर्नर स्टोन, किंग पिन, फलक्रम, तो ये सारे क्या हैं, इनके सरनेम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है परस्यू। परस्यू पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, अनुसरण करना, फॉलो करना, चेस करना, सीक, स्ट्राइव फॉर, वर्क टूवर्ड्स, तो ये सारे क्या हैं, इनके सरनेम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है ब्रिज द गैप। ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है, अंतर दूर करना, जो कमी है वो डिफरेंसेस है उनको दूर करना, फिल द वॉइड, खाली स्थान को फिल करना, लिंक, कनेक्ट, रिकॉन्साइल, हार्मोनाइज, तो ये सारे क्या है, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एनविसेज। एनविसेज पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, कल्पना करना, फोरसी, प्रिडिक्ट, एंटिसिपेट, कंटेम्पलेट, इमेजिन, तो ये सारे क्या है, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मॉनिटरी। मॉनिटरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, वित्तीय, फाइनेंशियल, फिस्कल, इकोनॉमिक, पेक्यूनरी, ये सारे क्या हैं, इनके सरनेम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कम इन हैंडी। ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है, काम आना, बी यूजफुल, बी हेल्पफुल, बी बेनिफिशियल, बी एडवांटेजियस। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है टू बिगिन विथ। ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले, इनिशियली, एट फर्स्ट, टू स्टार्ट विथ, एज ए स्टार्ट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है थेफ्ट। थेफ्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, चोरी, रोबरी, बर्गलरी, स्टीलिंग, थेवरी, ये सारे क्या हैं, इनके सरनेम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वह है गोइंग फॉरवर्ड। ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है, भविष्य में, इन द फ्यूचर, फ्रॉम नाउ ऑन, हैंस फॉर्थ। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, वो है लेजिस्लेटिव, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, कानूनी, लीगल, स्टैट्यूटरी, लॉ मेकिंग, रेगुलेटिव। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, वो है फैसिलिटेट। फैसिलिटेट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को सरल बनाना, इजी बनाना, सुगम बनाना, वो हमारा क्या होता है, फैसिलिटेट, इनेबल, मेक पॉसिबल, रेड, असिस्ट, ये सारे क्या हैं, इनके सरनेम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रिबूट। रिबूट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, नवीनीकरण, किसी चीज़ को दोबारा स्टार्ट करना, जैसे आप अपने फ़ोन, मोबाइल फ़ोन को रिबूट करते हो, रिस्टार्ट करते हो, सेम, रिस्टार्ट, रिसेट, रिवैम्प, रिफ्रेश, रीऑर्गेनाइज। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ऑन द एनविल। ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है, विचारहीन, अंडर कंसिडरेशन, इन प्रिपरेशन, इन प्रोग्रेस, बींग प्लान्ड, इन द पाइपलाइन, मतलब वो अभी क्या है, क्यू में है, मीन्स कि अभी वो प्रोग्रेस में है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कैपिटल, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है
जिसका मीनिंग क्या होता है, पूंजी, फंड्स, एसेट, एसेट्स, वेल्थ, मनी, फाइनेंस। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, वो है नॉर्म, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है, जिसका मीनिंग क्या होता है, मानदंड, कोई रूल, कोई प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड, रूल, प्रिंसिपल, क्राइटेरियन, गाइडलाइन। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है स्लीव, स्लीव पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है, जिसका मीनिंग क्या होता है, ढेर सारे, प्लेंटी, अ लार्ज नंबर, एब्यूडेंस, मल्टीट्यूड, अलॉट। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, वो है मेट्रिक, मेट्रिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है, जिसका मीनिंग क्या होता है, मापदंड, मेजर, पैरामीटर, क्राइटेरियन, गॉज, स्टैंडर्ड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है स्टेटस क्यू, स्टेटस क्यू पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है, जिसका मीनिंग क्या होता है, वर्तमान की स्थिति या एग्जिस्टिंग स्टेट, करेंट स्टेट, करेंट का जो सिचुएशन क्या है, एग्जिस्टिंग स्टेट, करेंट सिचुएशन, प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है वो है रोपिन, ये एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मीनिंग क्या होता है, शामिल होना, इन्वॉल्व, एंगेज, एनलिस्ट, रिक्रूट, इनकॉर्पोरेट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ग्रैनुलर, ग्रैनुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग क्या होता है, विस्तृत, डिटेल्ड, स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, फाइन ग्रेंड, प्रेसाइज। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कैटेलाइज, कैटेलाइज पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है, जिसका मीनिंग क्या होता है, प्रेरित करना, किसी को स्टार्ट करना, प्रेरित करना, उकसाना, बढ़ाना, एक्सेलरेट करना, एक्सपेडाइट करना, फैसिलिटेट करना, स्टिमुलेट करना, स्पर, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है लेवी, और लेवी के साथ जो प्रीपोजिशन है वो ऑन लगा है, और ये एक नाउन है, जिसका मीनिंग क्या होता है, कर, टैक्स, टैरिफ, ड्यूटी, चार्ज, टोल, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इम्परेटिव, इम्परेटिव पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है, जिसका मीनिंग क्या होता है, अनिवार्यता, इम्पॉर्टेंट, एसेंशियल, नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट, डिमांड, एसेंशियल, नीड, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है नोशन, नोशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है, जिसका मीनिंग क्या होता है, धारणा, आइडिया, बिलीफ, कॉन्सेप्ट, थाउट, परसेप्शन, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अनटेनेबल, अनटेनेबल पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग क्या होता है, असमर्थनीय, अनसस्टेनेबल, अनडिफेंसिबल, अनएक्सक्यूजेबल, अनजस्टिफाइबल, अनवॉरेंटेबल, तो ये सारे क्या है, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एटवंस हेल्प, ये एक फ्रेज है, जिसका मीनिंग क्या होता है, किसी के कंट्रोल में होना, इन कंट्रोल, इन चार्ज, इन कमांड, एट द हेड, एट द टॉप पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो क्या होता है, एट वंस हेल्प। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आई विल कवर मोर वोकैब्स, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।